तो ये कौन दे रहा है? ये उमेश पत्रकार जो अपने यहाँ के विधायक है ना, वो सब वो दे रहे हैं। जैसे गिफ्ट होता है तो गिफ्ट तो लड़की के पक्ष वाले देते हैं अधिकतर सुनने में। हाँ, तो अपने घर से दे जी, अपने घर से दे रहा जी, बेचारा बढ़िया कर रहा है लड़की के, गरीब इतना सामान देकर और इतने बच्चों, वो बच्चियों की और बच्चों की शादी करवा रहा है, तो खुद ही जीतेंगे दिखाई दे रहा है। आपका MP बनेंगे ये, तो ये सारा दे कौन रहा है? मतलब लड़की वाले दे रहे हैं लड़के वालों को गिफ्ट, या कौन दे रहा है? उमेश कुमार जी दे रहे हैं, उमेश कुमार जी। अच्छा। विधायक आप लोग नहीं दे रहे? नहीं, विधायक जी दे रहे, उमेश कुमार जी। वो तो बेचारा लड़के वाले तक बहुत गरीब है। हाँ, ये बेचारा बहुत अच्छा कर रहा है, गरीबों की शादी करवा रहा है यहाँ से लड़कियों की। कितना हल्का हो जा रहा है एक परिवार के लिए जब शादी करना मुश्किल हो जाता है? बहुत बढ़िया कर रहे हैं लड़के के लारे, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री उत्तराखंड की यही बनने चाहिए। तो देखिए, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, बेसिकली आपको लग रहा होगा कि क्या ये कोई प्रदर्शनी है? आखिर ये है क्या चीज़ जहाँ पर एक साथ इतने बेड और सामान? ये बेड और सामान अक्सर आपने देखा होगा कि ब्याह और शादियों में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो वास्तव में ये ब्याह और शादी के लिए ही यूज़ होने वाला है। लेकिन एक साथ इतने, उसके पीछे कारण क्या है? आप देखिए, हर बेड के ऊपर अलग अलग लोगों के नाम लिखे हैं। एक तरफ आप देखेंगे सोनिया संग अभिलाष, मेरे पास आप देखेंगे शिवानी संग आकाश, और उसके पास आशु और सुक्रम पाल जी हैं, स्वाति संग निखिल जी हैं। तो एक पूरी लिस्ट है। तो मैं बता दूं आपको कि ये है खानपुर विधानसभा के विधायक उमेश कुमार जी। ये 22 परिवारों का, 22 कन्याओं का विवाह करवा रहे हैं। ये उसके दहेज का सामान है, उसके दहेज का सामान है। और कुछ कहेंगे क्या आप? भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कौन अच्छा काम? उमेश जी। अच्छा। हाँ, सराहनीय कर रहे हैं जो क्षेत्र में गुंजा का, आपका MP बनेंगे ये। अच्छा, और क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आपको ये सारा जो सामान है ना, ये किसकी तरफ से दिया जा रहा है? उमेश कुमार जी की। आप किसकी तरफ से हैं? उमेश कुमार की तरफ से। आप उमेश कुमार की तरफ से? हाँ। अच्छा, कोई लड़की की तरफ से है क्या? लड़की से, लड़का लड़की जब शादी ब्याह होता है तो लड़का लड़की का पक्ष होता है, कोई लड़की की तरफ से आता है, कोई लड़के की तरफ से आता है ये। अच्छा, आप लोग कोई जवाब, कुछ बात कर पाएगा? हाँ, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं विधायक साहब हमारे यहाँ ना, ये बहुत ही अच्छा है। क्या क्या कह रही है? बहुत अच्छा कर रही है जी। हाँ, बढ़िया कर रही है। आप ये बताइए, चूंकि ये भाई जाहिर सी बात है, शादियां तो हर जगह होती हैं और हर परिवार में शादियां होती रहती हैं, लेकिन ये शादी कुछ अलग है, अलग क्यों है? अलग है जी, अच्छा आदमी जी, अच्छा कर रहा है सब आदमियों के लिए। आप किसकी तरफ से हैं? लड़की वाले पक्ष से हैं कि लड़के वाले पक्ष से? लड़का का भी हमारे, तो लड़की का भी है। आप दोनों तरफ से हैं? एक लड़की और एक लड़का जी। कौन से वाले, किधर? ये खेड़ी सा। हाँ जी, आज तक ऐसा किसी ने किया नहीं है जैसा इन्होंने किया, बढ़िया। जैसे अभी जब हमने स्टार्ट किया तो हमने देखा कि ये सारे सामान और बेड वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, तो ये कौन दे रहा है? ये उमेश पत्रकार जो अपने यहाँ के विधायक है ना, वो सब वो दे रहे हैं। जैसे गिफ्ट होता है तो गिफ्ट तो लड़की के पक्ष वाले देते हैं अधिकतर सुनने में। हाँ, तो अपने घर से दे जी, अपने घर से दे रहे जी, बेचारा बढ़िया कर रहा है लड़की के, गरीब जनता की शादी करवा रहा है, गरीब लड़कियों की शादी करवा रहा है जी। हाँ जी, करे बहुत बढ़िया, आज तक किसी ने किया नहीं है गांव के, तो ये बढ़िया कर रहे, बहुत बढ़िया कर रहे। जो दूर दूर के रिश्तेदार आ रहे हैं वो कह रहे अब कहीं का विधायक ने नहीं इस तरह कराया, जिस तरह थारे तो काम बहुत बढ़िया हो जा रही, बढ़िया कर रहे। किसी विधायक ने नहीं कराया जी ऐसा, जैसा उमेश कुमार जी ने कराया, ऐसा किसी भी विधायक ने नहीं कराया जी। इस तरह बिना रहे आगे भी इनके साथ रहेंगे। हाँ, आगे भी इनके साथ रहेंगे जी। लड़ रहे जी, जीतेंगे। हाँ जी, जीतेंगे। तो शेखपुरी वालों और खेड़ी वालों का खुलेआम सपोर्ट है, पूरी सपोर्ट है यहाँ अपने पत्रकार। इतना सामान देकर और इतने बच्चों, वो बच्चियों की और बच्चों की शादी करवा रहा है, तो खुद ही जीतेंगे दिखाई दे रहा है ये। मतलब अच्छा, एक आपसे मतलब दो तीन बातें मैं आपसे जरूर करूंगा, चूंकि ये सारा मैंने लिस्ट देख लिया, सारी बेड ओड रखा हुआ है, तो आप किसकी तरफ से हैं? पहले लड़की के तरफ से हैं, लड़के की तरफ से हैं, किसका? हम लड़की वालों की तरफ से हैं। अच्छा, तो ये कौन सा, ये वाला आपका है?
ये तो मुझे भी नहीं पता जी। निखिल के नाम से, निखिल के नाम, हाँ जी निखिल, निखिल के नाम, हाँ जी। ये लड़के वाले की तरफ से? हाँ जी लड़के वाले की तरफ से। अच्छा, लड़की वाले की तरफ से कोई है यहाँ पर? ये वही बात, हम लड़के वाले तरफ से वाले से भी बात कर लेंगे, पर लड़के वाले से लड़की वाले जरूर बात कर। आपका आपका कौन सा, ये वाला एरिया? ये स्वाति निखिल। अच्छा 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 स्वाति निखिल, तो ये बताइए मुझे ना, जैसे अब सारे जो सामान हैं ये सब चीज़ें हैं, मैं मतलब काफ़ी पूरी लंबी कतार है, तो ये सारा दे कौन रहा है? मतलब लड़की वाले दे रहे हैं लड़के वालों को गिफ्ट, या कौन दे रहा है? उमेश कुमार जी दे रहे हैं, उमेश कुमार जी। अच्छा। विधायक आप लोग नहीं दे रहे? नहीं विधायक जी दे रहे, उमेश कुमार जी। लड़की के अक्सर ऐसा होता है ना, लड़की के परिवार के लोग गिफ्ट दे देते हैं लड़के वालों को। उमेश कुमार जी, इतनी शादी कर रहे हैं, उमेश कुमार जी दे रहे हैं विधायक। शादी भी वही करवा रहे हैं और ये सारा सामान वही दे रहे हैं? हाँ विधायक, विधायक दे रहे हैं, सारा सामान वही दे रहा है। वो तो बेचारा लड़के वाले तक बहुत गरीब है। हाँ ये बेचारा बहुत अच्छा कर रहा है, गरीबों की शादी करवा रहा है यहाँ से लड़कियों की। बहुत तरक्की करेंगे आगे आने वाले टाइम में, बहुत तरक्की करेंगे उमेश कुमार जी। एक बात तो सोचने वाली बात है, बता दीजिए आप आगे आ जाइए। एक बात तो बिल्कुल सोचने वाली बात है कि एक तरफ लड़कियों के विवाह करते करते बहुत से माँ बाप हैं जो बहुत परेशान हो जाते हैं, कष्ट में आ जाते हैं, तो एक तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर पूरा खर्चा, जैसा आप बता रहे हैं पूरा खर्चा जो है या जो भी एक्सपेंसेस जो भी हो रहा है वो सब कुछ उमेश कुमार जी कर रहे हैं, तो मतलब कितना हल्का हो जा रहा है एक परिवार के लिए जब शादी करना मुश्किल हो जाता है? बहुत बढ़िया कर रहे हैं लड़के के लारे, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हाँ जी ये ऐसा मत, बहुत मदद मिल रही है इससे। हाँ जी वो गरीब परिवारों के लिए फायदा हो? हाँ फायदा हो रहा, बहुत फायदा हो रहा। गर्जियन होने के भाई लड़की समाज में जो है ना बोझ नहीं बनेगी किसी के यहाँ, ऐसे विधायक और भी होने चाहिए कि आने वाले टाइम में किसी के लड़के कोई बोझ नहीं बनेगी घर पे। उमेश कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री उत्तराखंड के यही बनने चाहिए। देखिए बहुत से लोग तो ये बता रहे हैं कि सांसद बन जाना चाहिए, ये बन जाना चाहिए, दोबारा यही जीतने चाहिए, बार बार होना चाहिए, और आप जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तक पहुंच गए। बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत तरक्की उमेश कुमार जी, हम जो गए दिलो जान से साथ हैं इनकी, बहुत अच्छी बात है। उमेश कुमार जी बहुत सहयोग कर रहे हैं, इतनी लड़की शादी कर रहे हैं, आने वाले टाइम में भी शादी करेंगे। एक है कि मतलब एक तरफ तो कई बार आदमी आधा अधूरा बोलता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं। हम दिल से बोल रहे हैं, बेचारा अच्छा काम कर रहा है, यही बनेगा। हाँ जी अरे वाह, थैंक यू बोल रहा भाई। अच्छा सारी व्यवस्थाएं यही कर रहा है, इधर आ जाओ। ये बताओ ये शादी कौन करवा रहा है? विधायक साहब। अच्छा किसकी? भैया की। भैया की शादी विधायक साहब करवा रहे हैं? हाँ नहीं नहीं भाभी की। भाभी करवा रहे हैं कि भैया करवा रहे हैं? भाभी की, भैया की दोनों हो रही। ये वही बात, मतलब भैया और भाभी दोनों की ब्याह जो है, कौन से विधायक? उमेश कुमार जी वो करवा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा और ये सब सामान वामान जो दे रहे हैं वो कौन दे रहा है? उमेश कुमार जी दे रहे जी। खुशी हो रही है? खुशी है? खुशी है फुल। खुशी किस बात को हो रही है? घर में भाभी आ रही है। ये मुद्दे की बात है कि घर में भाभी आ रही है तो खुशी इस बात की है। तो डांस वांस नहीं करोगे? डांस करेंगे यार, अभी डीजे बाहर लगा रखा है। डीजे बाहर लगा रखा है, डांस वांस करेंगे, आइए और भी लोगों से जरूर बताएंगे। मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बार उन साजो सामान को ज़रूर देखिए। एक तरफ जब बहुत से लोग होते हैं जो इस बात का जिक्र करते हैं जब शादी ब्याह होता है तो लोग सोचते हैं कि भाई सामान देना, लेकिन एक विधायक का ये समाज का सहयोग है और समाज के सहयोग से ही बहुत सारे काम होते हैं। एक पूरा एक लंबे आप रेल की भांति देखेंगे, 22 कन्याओं का ब्याह यहाँ पर हो रहा है और ये 22 कन्याएँ जिसको जिन लोगों से मैंने बात की वो निर्धन हैं, परिवार में ब्याह करने के लिए उतने फंड्स नहीं होते हैं, लेकिन इस पूरे एक सामूहिक विवाह है, 22 कन्याओं का सामूहिक विवाह है। यह एक छोटी बात नहीं है, सोचने वाली बात है कि इतने लोगों का विवाह और इतने लोग का अरेंजमेंट करना एक हिम्मत की बात होती है। हालाँकि बिना सहयोग के, बिना समाज के सहयोग से कुछ सहयोग के कुछ संभव नहीं हो पाता है। समाज का सहयोग होगा, अन्य लोगों का सहयोग होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विधायक उमेश कुमार जी का ये स्टेप लेना कहीं ना कहीं आगे आने वाले विधायकों के लिए एक मिसाल बनेगी। आगे आने वाले जो विधायक होंगे, मंत्री होंगे, उनके संतरी होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, उन सभी लोग को ये विचार करना पड़ेगा कि आपको भी निर्धन कन्याओं का ब्याह कीजिए, निर्धन कन्याओं के शादी ब्याह का इंतजाम कीजिए। अगर आप ये सब करते हैं तो निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि जनता आपके साथ होगी। एक तरफ सिर्फ कहना, दूसरी तरफ करके दिखाना, ये हुई बात ना। जैसे कई बार
हाँ एकदम आएंगे, मीडिया में जरूर आएंगे, है ना। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, देखो हालांकि कई बार मैं सबसे पूछता हूँ कि आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है, यहाँ आके कैसा लग रहा है, आपकी शादी हो रही है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। खुशी तो अंदर हो? हाँ खुशी है। लड्डू फूट रहे होंगे मैंने। सिंगल सिंगल जैसे शादी होती है, इस बार ऐसा लग रहा है जैसे पूरे ग्रुप के साथ में शादी हो रही है। मेला हो गया? हाँ मेला हो गया, शादी वाला मेला हो गया, तो काफी अच्छा फील हो रहा। अच्छा। ये आप लड़के वाले की तरफ? हाँ जी हम लड़के वाले की तरफ से हैं, लड़की की बहन। ये पूरी शादी की व्यवस्था कौन कर रहा है? उमेश कुमार। उमेश कुमार जी का। तो आप ये बताओ कि ऐसी शादियाँ या इस तरीके की शादी जो है अन्य विधायकों को भी कराते रहना चाहिए कि नहीं कराते रहना? बिल्कुल करानी चाहिए, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अध्यक्ष जी का। जी इनको नेता जरूर बनना भाई, बाद में इनको नेता जरूर बनना है।